<laughs> ये ये सवाल आई थिंक हर यहां बैठे शख्स और हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में है क्या सीआईडी कभी वापस आ सकता है बातें तो चल रही है हो सकता है कि बहुत जल्द हम लोग आ जाएंगे शायद कमिंग इन डिसम्बर कमिंग इन डिसम्बर किसी को बताना मत <laughs> सर इंडियन आइडल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन सबसे ज्यादा टी आर पी सी आई डी की थी एंड so, like, आपकी बात से सर मुझे एक चीज जरूर क्लिक हुई थी अलॉड ऑफ पीपल आस्क मी एवरी नाउ एंड देन कि भाई हमें भी बॉम्बे आके एक्टर बनना है एंड वी टू ट्राई थिएटर सो आई थिंक आपकी बात से मैं सेफली ये जरूर कह सकता हूं कि अगर एक्टिंग में आना चाहते हो तो पहले बैंक में नौकरी कर लो दैट्स द वे अराउंड और फिर आप वहां तक पहुंच जाएंगे सेकेंडली वो 111 मिनट का एपिसोड आई बी वेरी ऑनेस्ट

तो इनको ऐसा एक्टर मिले जो मना नहीं करते थे <laughs> <laughs> अब ये उसमें नंबर वन दया साहब हैं अब मनाली में पहुंच गए पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और वजिन आइस है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे देखना जस फिट की गहराई होगी कि कुछ क्या होगा और मैं देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जाओ वहाँ वहाँ तक जाके वहाँ से आना है और मैं इनको देख रहा हूँ कि यार उधर अंदर कहाँ जाएंगे तो पता नहीं चल रहा अंदर धस जाएंगे कि क्या ये सुनते ही नहीं है ये अपना निकल ये निकले तो पीछे पीछे हम तो लोग निकले या हम लोग कहाँ पे थे मसूरी वाले पहाड़ी जो स्टीप एकदम स्टीप स्टीप था था मतलब अगर मसूरी लोना लोनावाला माउंट अगर वो वाला ना कि अगर पैर फिसल जाए तो फिर मतलब फोटो और माला लग जाएगा हाँ मतलब एक और कैमरा ऊपर है और स्टेडी कैम है और नीचे जाना है और बिफोर कुड मतलब एक्शन बोलते दया सर वेंट। और आदित्य सर का तो मतलब चलो चली जाते हैं और ए सी सर का डालो क्या और नीचे और नीचे अरे नीचे, नीचे नीचे बोल के आ, नीचे। तो मतलब हम पानी के अंदर पहाड़ उतर गए पहाड़ में बर्फ में बर्फ में मतलब दया सर नॉन पर तो वाटरफॉल वाटरफॉल मतलब स्विमर नहीं है आदित्य सर हम इज अ नॉन स्विमर अब एक एक तो मेरी हाइट उसके बाद इतना इतना बड़ा मेरा सीने तक अंदर से। इतना बड़ा मेरा किट होता था और वो बर्फ में अब ये सब लोग अपने चले जा रहे हैं फिर मेरे को आना था बर्फ में अपनी किट लेकर के और चलते चलते मुझे पता ही नहीं था मैं घुस गया अंदर और बगल में तारीख और फिर शिवाजी ने कहा अरे ये गुप्ता नीचे गया फिर दया ने आकर मुझे निकाला वापस अरे <laughs> बन... मतलब वो थी बिल्कुल बर्फ पता ही नहीं चलता था कितना घुस रही अंदर एक एक घंटा तो पहले देख लेते भाई कौन सा ट्रेन है सिंह साहब के साथ ऐसा नहीं तुमको वहां से आना है

ये रोड क्या मुझे एक कहानी बताई थी आई रिमेम्बर की कैसे आप लोग वो कहानी मुझे अब उसमें कॉप है मैं हूँ ए सी पी बोज देस वोज देर आशा वॉज देप और वो गाड़ी है पांच सीटर और तीन हम लोग को कल्पिट पकड़ने तीन <laughs> पकड़ने और ये शूट करना है अंधेरी स्टेशन के सामने साढ़े आठ नौ बजे विच इज लाइक प्राइम टाइम इट इज पैक्ड द रोड इज पैक्ड मेन एसवी रोड अंधेरी स्टेशन के सामने मेन एसवी रोड पे वहां पे एक नाइडको स्टोर है नाइडको स्टोर के ऊपर कैमरा लगाया था कैमरा मैन वहां पे ऊपर बैठे थे मिश्रा जी और संतराम वर्मा वॉज अ डायरेक्टर <laughs> और हमको बता दिया कि पहले कैमरा पैन होगा पहले वो आदमी वहां पर उसको एस्टेब्लिश करेंगे एक लाइट के नीचे खड़े हैं सेकंड पैन होगा यहाँ पे वो दूसरा आदमी खड़ा है और जो हमारा जो बेट है जिसको जिसको पकड़ने के लिए जिसको हमने वहां पे रखा है वो मिडल ऑफ द डिवाइडर रहेंगे और जैसे वो दो लोग आएंगे इनसे मिलने के लिए गाड़ी आएगी फुल स्पीड में कॉप्स की उनको दर्दोजेंगे गाड़ी के अंदर डालना है और जाना है ये शॉर्ट भरे बाजार में कमोशल नो परमिशन वर्मिशन किसी का कुछ नहीं पब्लिक को कुछ नहीं पता सो दी वन शॉट ऑफ अ टेक यू कैन डू रिटेक रिटेक तो ये शूट हुआ पैन 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 और पूरा रास्ता दिखाया पूरा भीड़ में भरा हुआ और अचानक वो आदमी जो बीच में खड़ा है यहाँ वहां देख रहे हैं सुधीर दलवी जी हमारे शिरडी के साहिबा जो है <laughs> सुधीर दलवी जी वो बीच में खड़े हैं पॉपुलर फेस है वो लोग जानते हैं उनको हा, हा, हा। बट खड़े हैं वहां पे और देख रहे हैं बेचारे गरीब आदमी यहाँ वहां और इतने में वो लोग मिलने आते हैं उनको मिलने आते हैं जैसे मिलने आते हैं इशारा हो गया गाड़ी फुल स्पीड में धनु धनंजय वो ड्राइविंग फुल स्पीड में आके स्क्रीचिंग हॉल्ट रोड के बीच में मतलब जितने लोग आसपास पास है सबके सर घूमे वाला क्या हो गया और गया पकड़ा इसको पकड़ा डाला गाड़ी में और वो है फाइव सीटर उसके अंदर आठ या नौ टू डोर है चार फोर डोर भी नहीं है टू डोर में नौ लोग घुस गए धार 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 लोग देख रहे क्या हो रहा है किडनेपिंग है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है एवरीबडी फिक्स शुड वी गो भी गो मतलब हेल्प करना है नहीं हेल्प करना है डर भी लग रहा है पट्टे थे सब यू कैन इमेजिन गाड़ी के अंदर डाल के फुल स्पीड में निकला वहां से वहां से निकले बोला भी आगे कोई गाड़ी फॉलो करे पुलिस की गाड़ी आ जाए उतारो सबको और खाली गाड़ी लेके हम लोग चल के आ रहे थे चल के आ रहे तो वहां पे लोग आपस में बात कर रहे अरे पता नहीं बुड्ढे को भी डाल दिया अंदर <laughs> और दो लोग थे अरे वो आदमी उसको उठा के मतलब उनको ऐसा लगा वाकई में कोई बड़ा हाइस्ट हुआ है किसी को अंदर डाल दिया किडनेप किया पता नहीं चार पांच लोग थे अंदर गाड़ी के अंदर घुसा के लेकर गए दे वर डिस्कसिंग वहां से स्टेशन की तरफ जाते हुए और सब लोग क्या क्या हुआ हुआ था था

मतलब आप जा रहे हो किसी मूड में हो आप कुछ सोच रहे हो शॉर्ट के लिए जा रहे हो कुछ कर रहे हो आपको बुलाएंगे प्यार से और कॉर्नर में जाएंगे तो खुश तो है ना <laughs> ये क्या है एक, एक लाइन है अगर किसी को भी रैंडमली आप पकड़ लो आप ट्राई कर लो कहीं पे भी खुश तो है ना हाँ। तो वो सोच में पड़ता है किसी को बुला लिया तो मैंने किसको बुलाया कैसे किसको पता थोड़ी है अगर मैं गाली देखे बुलाऊ ना सब घूम के <laughs> अगर मैं गाली दूं करेक और बुलाऊ तो पब्लिक देखती है अब उसको कैसे मिलाऊ मैं उसको गाली दे रहा हूं तो वैसा खुश तो है ना हाँ खुश तो है मैं तो बिचारा सोच में लग जाता है उसको काम पे लगा देता हूँ <laughs> तो उसके बाद काफी लोग डायलॉग यूज कर रहे थे सतीश हर किसी को पूछ रहा था कुछ तो है ना कुछ तो है ना तो है ऐसे छोटे मोटे मतलब मैं ऐसा कुछ किसी को तकलीफ नहीं, <laughs> नहीं नहीं वकौस, वकौस। <laughs> नहीं 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 ऑफ़ ऑफ़ कोर्स कोर्स लाइवलीनेस मतलब ये वैसे करते थे ऐसा जितना मैंने कि ए पलटे क्या बोलती तू <laughs> <laughs> करके गाना शुरू कर देते <laughs> बाद में मैं ए बोलू कोई देखता ही नहीं था <laughs> सच में बुला जेन्यून, जेन्यून, भी बुलाता ना कोई देखता शेर आया शेर आया हो गया वही उस समय मैं मतलब सिनेमा ज्यादा कर रहा था और एक फिल्म आई थी सत्या यार सत्या में आप लोगों ने देखा है कि नहीं आदित्य सर को ही वॉज फिनल तो इंस्पेक्टर कांडिलकर था तो वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें Uh, मतलब मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो गया था एज एन एक्टर की लोग पहचाने लगे थे तो सिंह साहब ने वो देखा था और ही वॉन्टेड मी टू प्ले कॉप इन दिस सी तो मैं थोड़ा भाव खा रहा था उसे <laughs> 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 करता हूँ करता हूँ बट दो तो तीन महीने बाद फिर शुरुआत हो गई और uh, कुछ ऐसा था कि 26 एपिसोड करूँगा आपके शुरुआत में एक एक एपिसोड के यानी एक कहानी के दो एपिसोड आते थे, थे। आ, तो आ, हाफ आता था फिर वो सेकंड वीक में कंप्लीट होता था तो मैं उस समय फिल्मों में थोड़ा सा काम कर रहा था तो टाइम कम था और टेलीविजन में लंबा रहता है उसमें कमिटमेंट राइट इसलिए मैंने बोला था कि मैं छब्बीस <laughs> लेकिन वो छब्बीस एपिसोड खत्म होते होते यहाँ तक आ जाऊँ